प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक बाहुबली माफिया विजय मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई है। विजय मिश्रा को प्रयागराज के फुलपुर थाने में आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुनाई गई है। उन पर चुनावी सभा के दौरान सरकारी गनर के शस्त्र से फायरिंग करने का आरोप है। कोर्ट ने मामले में विजय मिश्रा को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। बिजली कर्मचारियों ने समय से पहले हड़ताल वापस ले ली है। गुरुवार की रात शुरू हुई हड़ताल को दोपहर बाद खत्म करने का ऐलान किया गया। इसके बाद विभिन्न जिलों में जारी बिजली संकट को दूर करने की कार्रवाई शुरू की गई है। कई स्थानों पर बिजली व्यवस्था को रिस्टोर कर लिया गया है। आज मैं आशा कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विद्युत विभाग के प्रति जो भी उनके निर्देश हैं उनका विद्युत कर्मी निष्ठा के साथ पालन करते हैं, तो उनके अपील का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ हुई सकारात्मक वार्ता का सम्मान करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल चल रही है उसको एक दिन पहले आज उसको वापस लेने की व्यापक जनहित में उसको वापस लेने की मैं घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या का दौरा कर करीब 6 घंटे तक विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने राम मंदिर को जोड़ने वाले राम जन्मभूमि पथ का पैदल चलकर निरीक्षण किया, विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों से विकास कार्यों को समय से पूरा करने की हिदायत दी। इस बीच योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली की पूजा अर्चना की। वे राम जन्मभूमि मंदिर परिसर भी पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। सीएम ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि राम मंदिर का काम कब तक पूरा होगा। उन्होंने मंदिर के निर्माण का काम पूरा करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण के कर्टन रीजन का कार्यक्रम रविवार को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नोएडा में किया गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पादों को ट्रेड कम्युनिटी में एक अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्पादों की इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच को बढ़ाए जाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक पहल है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश के निर्यातकों, उद्यमियों, हस्तशिल्पियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने इसके लिए हम लोग लगातार ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा और अपने आप में पहली बार 21 से 25 सितंबर को केवल उत्तर प्रदेश के, जैसे ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसी तरह से एक ट्रेड शो लगेगा इंटरनेशनली। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को बहुत विकास मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन आसमान से बरसते ओले किसानों के दिल पर पत्थर की तरह गिरते रहे। प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों को तबाह कर दिया। जिले के अलग अलग जगहों पर हो रही ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सोनभद्र में भी रविवार को मौसम ने फिर अचानक करवट ले ली। दोपहर बाद से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इस वजह से लोगों को गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन खड़ी फसलों के लिए ये बारिश और ओले काफी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं।